अन्य मार्गों में और भक्ति मार्ग में विशेष अंतर है। भक्ति मार्ग में साध्य और साधन दोनों एक ही है। हमारे साध्य हैं भगवान श्री कृष्ण और साधना क्या है? श्री कृष्ण के नाम रूप गुण लीलाएं। तो लक्ष्य भी भगवान है और भगवान हमारे हृदय में ही है, भगवान दूर नहीं है। यानी कृष्ण इज आवर कॉन्स्टेंट कंपेनियन, चिर संगी है, लेकिन हमें अनुभव नहीं है। यद्यपि भगवान सबसे निकट में है, लेकिन अभी हमें भगवान का कोई अनुभव ना होने के कारण हम माया की ओर दौड़ रहे हैं। तो भगवान का अनुभव कैसे हो, इसके लिए भगवान कृपा करके हरिनाम के रूप में अवतरित हुए हैं और हरिनाम हमें देकर एक अवसर प्रदान करते हैं ताकि हम भगवान का अपने जीवन में अनुभव कर सकें, भगवान की ओर उन्मुख हो सकें। और भगवान का अनुभव करने के लिए भगवान की महानता को हमें अनुभव करना होगा। जैसे माँ अपने बच्चे के ऊपर कंबल ओढ़ाती है, उसका डायपर चेंज करती है, तो बच्चे को समझ में आता है कि ये मेरे लिए सेफ्टी सिक्योरिटी, उसको खाना खिलाती है, उसको डर जाता है तो उसको गोद में उठा लेती है, तो एक सेफ्टी सिक्योरिटी बच्चा फील करता है माँ के प्रति। लेकिन भगवान तो दिखाई नहीं देते हमें। भगवान को थियोरेटिकली हम जानते हैं कि भगवान हैं, परम शुभचिंतक हैं, परम हितैषी हैं, सर्वनियंता हैं। तो ऐसे भगवान का अनुभव करने के लिए हमें शास्त्रों से श्रवण करने होंगे और हमें अन्य अन्य जो महान भक्त हैं जिनके जीवन में कई विपत्तियां आई हैं और भगवान ने उनकी रक्षा की है, उन लीलाओं को हमें सुनना होगा। तो हम चाहे भगवान से कितने भी दूर क्यों ना हो जाएं, भगवान हमसे बिल्कुल दूर नहीं है। भक्ति की मात्रा अनुसार, भक्ति के अनुपात में ही भगवान का अनुभव किया जाता है। कहते हैं कृष्णा मैनिफेस्ट इन प्रोपोर्शन टू आवर डिवोशन। जितनी हम भक्ति रखेंगे उतना ही भगवान हमारे सामने प्रकट होंगे। तो कृष्ण कभी भी फेडअप नहीं होते हमसे। इस संसार में क्या है, एक पॉइंट पर व्यक्ति फेडअप हो जाता है, लेकिन कृष्ण हमेशा तैयार हैं हमसे प्रेम करने के लिए। केवल ये सारी गलती हमारी है, हम बद्ध जीवों की है, ये सारी बदमाशियां हैं हम लोगों की कि कृष्ण बहिर्मुख होइया जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया जारे जापटिया धरे। कृष्ण को भूल कर हम माया में सुख ढूंढ रहे हैं और माया में सुख तो देती नहीं है, झापड़ लगाती है, थप्पड़ लगाती है, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे सभी जगह से हमें कष्ट देती है, फिर हम रोते हुए जाते हैं आखिरी में भगवान के पास। तो बुद्धिमान है जो प्रारंभ में ही श्री कृष्ण की शरण में रहकर भगवान से प्रेम करना सीख जाते हैं। तो भगवान के प्रति प्रेम को व्यक्त करने का सबसे सरल तरीका है भगवान के पवित्र नाम का जप करना, कीर्तन करना, उनका गुणगान करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।